देखो हम जावा लेके कहाँ पहुँच गए भाई। और गाइज मेन चीज देखो आप, इस पेड़ ने दीवारों को अपने अंदर, अभी जाते वक्त तो कमर पे मधुमक्खी ने काट लिया था, अभी हेलमेट का मुंह खुला चल, मतलब आगे का वो जो था वो खोल के चल रहा था तो उसमें ततैया घुस गया। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाई। टाइम हुआ है 7:15 संडे का, सुबह सुबह चेहरा एकदम चमक रहा है भाई, क्या चक्कर है, रोशनी के चक्कर में चमक रहा होगा। और आज जा रहा हूँ भाई बाइक राइड पे, तैयारी हो गई है अपनी पूरी, गोप्रो माउंट कर लिया है, पानी की बॉटल वगैरह रेनकोट वगैरह सब रख लिया है, बाइक में तेल डलाएंगे और पहुंचेंगे पंचवटी सर्कल पे। भाई पसीने तो अभी से आने शुरू हो गए और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा है लेकिन पसीने आने लग गए। अगर धूप निकल गई तो भाई साहब लेंटर लग जाएंगे लेंटर। तो भाई ग्लव्स भूल गया था, ग्लव्स लेने वापस आया हूँ और पसीनों का हाल देख रहे हो, ये देखो सुबह सुबह इतने जबरदस्त पसीने आ गए। तो ये भाई अपने सारे राइडर्स भाई इकट्ठे हो गए हैं, गाड़ियाँ हो गई लगभग 20 के आसपास हो गई हैं, एग्जैक्ट काउंटिंग करी नहीं है बट हाँ 20 के आसपास लोग चलने वाले थे और 20 बाइक हो गई हैं अपने। फिलहाल खा रहे हैं समोसे भाई लोग और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, गर्मी हो गई है मतलब ह्यूमिड तो हो ही गया ज़बरदस्त। सेट टू गो और माता जी के आशीर्वाद से आज की जर्नी अच्छी रहे। निकलने के लिए सब रेडी भाई लोग, आधे मेरे दाएँ आधे मेरे बाएँ। हमारे साथ भाई दो छोटे राइडर भी हैं, ये देखो दो छोटे राइडर हैं, एक तो अपने रविंदर जी अपने बेटे को लाए हुए हैं और एक और भाई साहब हैं इनका बेटा भी। और ये देखो ये जो ये होते हैं ना इस टाइप के लोग, ये इन्हें कोई लेना नहीं है दुनियादारी से, साइड में लगाया कान पे फोन, एक कंधा किया टेढ़ा और चल पड़े, साले खुद भी मरेंगे दूसरों को भी मरवाएंगे। तो भाई फाइनली निकल गए हैं हम लोग आज की राइड के लिए, भानगढ़ जा रहे हैं, भूतों का भानगढ़, और आई होप आज कोई कांड ना हो। आजकल गड़बड़ बहुत हो रही है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई। आज की राइड एकदम बढ़िया होनी चाहिए। रविंदर जी का बेटा एकदम चिपट के बैठा हुआ है, लेग गार्ड वगैरह सब पहना के लाए भाई, एकदम बढ़िया से तैयार करके लाए रविंदर जी। ये लोग भी भाई निकल गए हैं, अच्छा ये तो कांवड़ यात्रा वाले हैं, छोटे छोटे बालक भी कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। तो सावन चल रहा है भाई, सावन की कांवड़ चल रही है। अच्छा गलता जी का मंदिर इधर है इसलिए यहाँ पे चढ़ती होगी। चलो जी जय श्री राम। और यहाँ पर ये देखो ये वही सवारी है जो कल उन्होंने ग्रुप में भेजी थी कि रोहित जी को लेने के लिए दो हाथी भेज दिए भाई। ये भी कांवड़ वालों की लंबी वो निकली हुई है, कितने सारे लोग हैं भाई, वाह भाई कैसे बह रहा है पूरा गंदा पानी। और ये कल जो बारिश हुई थी ना उसका पूरा पानी बह रहा है ये देखो अभी तक भाई साहब, कल क्या ही हाल हुआ होगा भाई। अभी तक तो क्या है मौसम ठीक सा है, मतलब धूप धूप निकली नहीं है, बहुत हल्की सी बीच में एक बार निकली थी, बाकी अभी तो ठीक है, तो ऐसा ही रहे तो बढ़िया है। आरजेसी की भी दो गाड़ी अभी दिल्ली रोड पर हमने देखी, एक गेटअवे और एक पुरानी जीप। आज आरजेसी की ओटीआर थी, वहाँ भी जा सकते थे लेकिन फिर हमने कहा यार बाइक चलाए हुए बहुत दिन हो गए तो आज लेके चलते हैं अपनी बाइक को, इसीलिए निकल गए। और ये भाई विक्रम सेन की पेंथर, लेकिन विक्रम सेन तो है नहीं, पेंथर कौन चला रहा है फिर आज? अच्छा सूर्यवीर चला रहा है पेंथर को आज। ये भाई हम एक कस्बे में से निकले हैं जस्ट अभी, और मतलब कस्बे वाले लोगों के लिए तो वो इतनी सारी बाइक से एक साथ देख के वैसे ही उनको लगता है अरे वाह भाई क्या ही कारवां आ गया। बढ़िया सुंदर रास्ते हाईवे हमने छोड़ दिया था और ये जो छोटे छोटे कस्बों में से होता हुआ जो रास्ता जाता है, जो ग्रामीण सड़कें हैं, सड़कें तो सारी पक्की हो ही गई हैं लेकिन भाई इनका आनंद अलग है। हाईवे पे ठीक है आप दौड़ा सकते हो लेकिन जो मज़ा यहाँ है ना वो हाईवे पे नहीं है। आप देखो मौसम क्या शानदार हो रखा है, पूरी ग्रीनरी चारों तरफ ग्रीनरी है, मज़ेदार रूट है मज़ेदार। अरे भाई जिसमें एक बार पहले अनंता आए थे, यहाँ पे नया अनंता बना है, जयपुर का अनंता जो बना ना वो बना है अभी, और मतलब वहाँ तक पहुँचने की जो अप्रोच रोड है वो देखो क्या शानदार है, मतलब एकदम ऐसा लगता है आउटस्कर्ट्स में बाहर जाके बना हुआ है। कुछ स्कीम आई थी अनंता की, खैर हमने इन्वेस्ट नहीं किया अपने को जमीन ही, लेकिन भाई बढ़िया रोड है बढ़िया मज़ेदार, अनंता आने ही वाला है। बाइक पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रही है, क्या दिक्कत है भाई इसको, फिर बंद हो रही है, 4-5 बार बंद हो चुकी है, ये है कुछ प्रॉब्लम इसमें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है,
देखो इतने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तेज आ गई तो फिर अपने को रोक के और रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को अंदर डालना पड़ेगा। बकरियां कहाँ जा रही हैं? ये घास चरने। तो हमारे संदीप सैनी जी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं इस टाइप की चीज़ों को। ये भाई अपने लेफ्ट साइड में आ गया अनंता। ये जो है ना, ये अनंता है। जब ये बन रहा था तब एक बार मैं आया था। ये कौन से देश के उस पर बना हुआ है, मतलब किसी मलेशिया है, पता नहीं किसके उस पर तर्ज पे बना रखा है। सेम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वही ले रखा है। तो यहाँ पर एक बार रुक गए हैं सब, रास्ते में कन्फ्यूजन है कि ये सीधे वाला जाएगा या ये लेफ्ट वाला जाएगा, अभी पता कर रहे हैं। अभी एक भाई वहाँ चाय की थड़ी पर पूछने गए हैं, वो रास्ता समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से हम आ गए हैं गलत, क्योंकि वो चाय वाले भैया कर रहे हैं इशारा पीछे की तरफ जाने का कि वापस घूम जाओ वापस। इसका मतलब रूट की रेकी नहीं की हुई है, बिना रेकी के ही आ रहे हैं। भाई सही रास्ते के ऊपर, मतलब रास्ता तो क्या, ऑफ रोड पे आ गए हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं और भाई अपने को क्या, बाइक की प्रैक्टिस है नहीं इतनी, इसलिए चलना पड़ता है बिल्कुल धीरे धीरे, ध्यान से, आराम से। अब क्यों रुके भाई लोग, काहे बात का वीडियो बना रहे हैं? ऑफ रोडिंग के ऊपर भाई, और रास्ता हम बार बार भटक रहे हैं शायद, क्योंकि रेकी की नहीं हुई और वापस जाना पड़ेगा। अभी तो हम आ गए बिल्कुल कच्चे रास्ते में, खेतों के बीच में। तो आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत ही बढ़िया। क्यों अर्जुन भाई, मज़ा आएगा? एक नंबर मज़ा आएगा, क्योंकि रास्ता हम बार बार भटक रहे हैं, बिल्कुल ऑफ रोड पर आ चुके हैं। अब वापस घूमो वापस। से बाइक खरीदी है ना, उसके बाद ये वाला जो एडवेंचर है ना, ये फर्स्ट टाइम किया है बाइक से, मतलब बाइक की ऑफ रोडिंग पर आज पहली बार आया हूँ। इससे पहले तो गाड़ियों की ऑफ रोडिंग होती थी, बट बाइक की ऑफ रोडिंग आज पहली बार कर रहे हैं भाई। बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस। लेकिन हम बार बार क्या, रास्ता भटक जाते हैं, मतलब गलत घुस जाते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर गलत घुस जाते हैं। ये थोड़ा सा एक हमारे साथ चैलेंज है। बाकी भाई ये रास्ता किसके लिए बना होगा पता नहीं। आप लोग लो रास्तों का आनंद भाई, देखो क्या बढ़िया शानदार। अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे, पत्थर पटक रखे हैं, बाकी रोड तो है ही नहीं, बिल्कुल कोई रोड का नामो निशान भी नहीं है। किसी मंदिर जा रहे क्या रास्ता, लोग जा रहे हैं। ओ भाई सही आए हैं गलत आए हैं ये पता नहीं, लेकिन कहीं फिर बोलें कि गलत आ गए, ये सिर्फ पैदल वालों का रास्ता है। अभी एक बंदा जा रहा है देखने आगे। ये देखो हम जावा लेके कहाँ पहुँच गए भाई, ओ तरीके। मतलब पहली बार ये ऐसी राइड जो है ना, ये इतनी एडवेंचरस राइड बाइक से पहली बार कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाएंगे हम, और फिर उतरेंगे कैसे ये पता नहीं। तो हम लोग किस लोकेशन पर आ गए हैं आपको दिखाते हैं भाई। ये सारी बाइक्स हैं और लोकेशन दिखाता हूं आपको, क्या शानदार जगह हम पहुंच गए हैं। ये देखो हम आ गए हैं पहाड़ी की चोटी के ऊपर, और ये नीचे हमारी गाड़ियों के लिए ऑफ रोड ट्रैक बना हुआ है। कभी को आएंगे अपनी 4x4 लेके तो यहाँ पे करेंगे फुल मस्ती। और ये देखो बिल्कुल शानदार लोकेशन, मज़ा आ गया भाई, मज़ा।
तो भाई ये जगह है सिद्ध की वाड़ी और यहाँ पे कोई बहुत ही पुराना मंदिर है। अभी सुना है मैंने दूर दराज से कि 5000 साल पुराना मंदिर है। अब ये नहीं पता भाई 5000 साल पुराना है या कितना, बट किसी ने बोला तो मैंने सुना। पीछे शानदार व्यू है भाई, बहुत बढ़िया। ये गुफा भी है इसके अंदर, वहाँ से लेके वो पूरी कहाँ तक जाएगी? अच्छा इधर ही पास, मेरे को लगा गुड़गांव ले जाएगी। हाँ वही मैंने भी सुना, 5000 साल पुरानी जगह है। तो भाई अब जितने भी साल पुरानी है, लेकिन लोकेशन बहुत ही प्यारी, अल्टीमेट लोकेशन है, मज़ेदार। तो भाई फोटो वोटो खींच लिया, बढ़िया शानदार जगह है, मज़ा आ गया। अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए, बहुत बढ़िया जगह है। थैंक्स टू मनीष जी, और मनीष जी को तो थैंक्स हमेशा बोलते ही रहते हैं यार। लेकिन आज का जो एडवेंचर था ना, ये भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा बाइक के साथ। गाड़ियों में तो खूब कूदाबांदी करी है, लेकिन बाइक पे आज पहली बार ऐसा। आपको तैयार कर रहे हैं, बोले नॉर्थ ईस्ट चलोगे आप? ओ भाई नॉर्थ ईस्ट 100-150 किलोमीटर की लिमिट है बाइक में अपनी। लियंडर भाई खड़े होके गाड़ी चला रहा, भाई गाड़ी खड़े होके। हम जो यहाँ से भाई वापस गए थे ना, मतलब अनंता से आगे से जो वापस मुड़े थे, वो हम रास्ता गलत नहीं हुए थे। एक्चुअली हम जिस पॉइंट पर अभी गए हैं ना, उसके लिए हम यहाँ से वापस घूम के गए थे। अदरवाइज रास्ता यही है जहाँ हमें जाना है, भानगढ़ जाने के लिए रास्ता यही है। वापस से आगे अनंता एक बार और, तो अब हमारे को यहाँ से जाना है सीधा। मतलब पहले हम यहाँ पहुँच के वापस इसलिए गए थे क्योंकि जो हम लोकेशन अभी होकर आए हैं उस लोकेशन पर जाना था। बाइक ली थी मैंने एक ना, ग्रुप ज्वाइन किया, वो बोलते हैं कि हम रोज के 600-700 किलोमीटर मारते हैं, आप कर लोगे क्या? मैंने हाँ तो वर्दी, मैंने कहा कर लेंगे 600-700 भी। लेकिन भाई 600-700 किलोमीटर तो मतलब सजा हो जाती है सजा। अभी हम चल रहे हैं रुकते रुकाते, जगह का आनंद लेते हुए चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब कोई एग्जर्शन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये देखो गाँव वाले भाई के लिए हम लोग मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ठीक है आप इंजॉय करते हो। अच्छा कुछ लोग क्या है बाइक को भगाते हैं, मतलब अपन बाइक को 60-70 चला रहे हैं। बाइक बेसिकली बनी इसी के लिए, 80 चला लो, 90 चला लो, 100 चला लो, बहुत अच्छी बाइक है 120 चला लो। आजकल के यूट्यूबर्स भाई क्या कर रहे हैं, भगा के दिखा रहे हैं, मतलब 300 जाऊँगा मैं 250 जाऊँगा, भाई कहाँ जाएगा, नंबर आ गया तो ऊपर ही चला जाएगा। पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, बाकी मज़े लेने हैं, राइड को एंजॉय करना है। 70-80 पे चलो आराम से, रुकते रुकाते चलो और नज़ारों का आनंद लेते हुए चलो, उसी में मज़ा है भाई। भाई हम टोडा मीणा और दंताला मीणा, ये वही रोड है जहाँ संडे को, लास्ट संडे को जब उनके साथ आए थे ना, विकास भाई के साथ थार में, तब हम यहाँ से गए थे दिल्ली रोड के लिए। यहाँ से निकले थे जब स्टोरीज गए थे, तब इसी रोड से गए थे। ये भाई बढ़िया शानदार, लेकिन जब तक बाइक चल रही है तब तक पसीने नहीं आते हैं, मतलब हवा लगती रहती है तो इसलिए बढ़िया लगता है। हाँ रुकते हैं तो पसीने आ जाते हैं। धूप भी खैर आ रही है जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कंटिन्यू बहुत तेज़ धूप है, बट हाँ ठीक है। आज अपन बाइक राइड पर आ गए ना, ये ज़्यादा बढ़िया डिसीजन रहा बजाय कि अगर आज हम RGC की OTR में जाते, क्योंकि गाड़ी में तो फिर भी पसीने आते हैं। अगर जैसे मैं जिप्सी लेकर जाता भाई, उसमें AC तो है नहीं, तो उसमें पसीने आते, मतलब इतना ह्यूमिड तो हो रहा है। बाइक में ठीक है, बढ़िया हवा लग रही है, बढ़िया मज़ा आ रहा है, बढ़िया रास्तों से जा रहे हैं, शानदार प्रोग्राम हो रहा है। काफ़ी देर की ऑफ रोडिंग के बाद अब हम आ गए हैं हाईवे के ऊपर। ये देखो सामने हाईवे आ गया है, दौसा वाला हाईवे, जो अपना दिल्ली रोड से दौसा वाला जो हाईवे है ना, ये वो वाला हाईवे है। वो ऊपर देखो मंदिर दिखाई दे रहा है, क्या कहाँ बना रखा है भाई मंदिर, बढ़िया माहौल हो रखा है। धूप आ रही है जा रही है, ये सबसे बढ़िया है, नहीं तो ह्यूमिड हो जाता बहुत ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक लिया और अब निकल गए हैं। वैसे इस हाईवे पे क्या है, दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही रोड पे चल रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है, साइड में चलना चाहिए अपन लोगों को बिल्कुल सेफ्टी के साथ। बारिश शुरू हो गई है और ये रोड जा रहा है मनोहरपुर की तरफ, जबकि मनीष जी कह रहे थे कि दौसा की तरफ जा रहा है, दौसा से पहले हम मुड़ जाएंगे, लेकिन ये रोड तो जा रहा है मनोहरपुर की तरफ, मतलब दिल्ली रोड की तरफ जा रहा है। अब पता नहीं सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, उन्हीं को रूट पता है। बारिश अगर और तेज़ हुई तो रुक के अपने को रेनकोट पहनना पड़ेगा और साथ में ये सब चीज़ें अंदर रखनी पड़ेंगी। अभी फ़िलहाल तो धीरे ही है बारिश, थोड़ी थोड़ी तेज़ होती जा रही है भाई। गाँव की तरफ से आ रहा है रास्ता, ताला मोड़ आ गया ये। अब यहाँ से हमें जाना है राइट। ओके तो भाई बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारा सामान रख दिया बैग में, रेनकोट निकाल लिया है, रेनकोट पहनेंगे। बारिश अभी तो तेज़ थी, धीरे हो गई है वापस, बट फिर भी चांस लेंगे नहीं। ये देखो अब आधे भाई वैसे ही पहचान में नहीं आएंगे, सबकी शक्ल बदल जाएगी रेनकोट पहनते ही। बारिश थी उसके चक्कर में रुक के सब किया, रेनकोट पहना, ये किया वो किया,
सब बेकार गया और मधुमक्खी ने और काट लिया पीठ पे। फिर वापस धूप आ गई, सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए रुके और आधा घंटा खराब कर दिया हम लोगों ने। फिर आ गई थोड़ी थोड़ी, यही चलता रहेगा भाई ड्रामा इसका। लोकेशन आ गई भाई जहाँ से हमने ड्रोन उड़ाया था, वो लेफ्ट साइड में प्रतापगढ़ का किला है ऊपर ना, और यहीं पे हमने ड्रोन उड़ाया था जब हम गए थे सरिस्का। एग्जैक्ट वही पॉइंट आ गया, वही लोकेशन आ गई। फिर कभी आएंगे इसके ऊपर, इस किले को भी देखेंगे किसी दिन आके। मैं कैमरा ऑन करता उससे पहले ही ना, मतलब एक बहुत बड़ा सांप सड़क क्रॉस कर रहा था, बहुत बड़ा सांप सड़क क्रॉस करी उसने, लेकिन कैमरा ऑन नहीं कर पाया, उससे पहले ही वो क्रॉस कर गया था भाई। और भानगढ़ रह गया है 15 किलोमीटर, मात्र 15 किलोमीटर, मतलब 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। होगा तो गोपुरों में ऊपर एक और किला दिख रहा है ये ऊपर की तरफ, ये कौन सा किला है पता नहीं। और ये आ रहे हैं कांवड़िए भाई, कांवड़ लेके। अपने भाई लोगों में कुछ लोगों में टैलेंट है भाई, एक हाथ से बाइक चला लेके ले लेते हैं और एक हाथ से वीडियो भी बना लेते हैं। अपन तो दोनों हाथों से चलाते हैं। ये देखो भाई साहब, फुल वीडियो शूटिंग चल रही है, चौधरी साहब भी लगे हुए हैं और आगे अपना अनुराग भाई भी लगा हुआ है। ये देखो भाई, ये मिट्टी निकली अभी तक के रास्ते में, मतलब इतनी तो पहुंच चुका हूँ, बाकी शरीर पे कितनी गई होगी पता नहीं। और अपन रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए भाई, लंच करेंगे फिर पहुँचेंगे भानगढ़ के किले, किला देख के थोड़ी देर रुकेंगे फिर वापस निकल जाएंगे। आज का शेड्यूल तो यही है, अर्जुन भाई का जी कर रहा है कि रात को रुके, देखते हैं। वैसे रुकने का मूड तो नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन रही बनाएंगे प्लान जो भी रहेगा। तो भाई खाना वाना खा लिया है, लंच हो गया, 2:30 बज गए हैं, लेट हो गए काफ़ी, और निकलने की फुल तैयारी है। 1.5 घंटा वहाँ भी लगेगा, विकास भाईयर भी आ रहे हैं शायद, अगर वो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर उनके साथ भी टाइम पास होएगा, फिर निकलेंगे जयपुर के लिए भाई। ये भाई यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन है, भानगढ़ किले में पॉलीथीन खाने पीने का सामान और ये वो ड्रोन उड़ाना सब मना है, फोटोग्राफी करना सब मना है, सब कुछ दंडनीय अपराध है, तो दंडनीय अपराध वाले काम हम करेंगे नहीं भाई। आगे वीडियोग्राफी तो दंडनीय अपराध है, दंड दे देंगे तो बहुत तगड़ा क्या करें चलो भाई देखते हैं क्या रहता है। ये है भाई टिकट काउंटर और यहाँ से है इसकी एंट्री। अच्छा वो सामने दिख रहा है भानगढ़, अच्छा वो टूटा फूटा सा किला है तो वो हो गया भानगढ़ का किला, अलग 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 पार्ट्स में है सर। वहाँ एक मंदिर का वो दिख रहा है, बुर्ज दिख रहा है, और इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है ये भाई आराम से पढ़ लेना इसको, मैं भी बाद में आराम से पढ़ूँगा किसने बनाया था और क्या क्या हुआ था ना। तो अर्जुन भाई फिर से आज हमारे साथ है, क्यों अर्जुन भाई? हाँ जी, आज आए हम भानगढ़ का किला घूमने। अर्जुन भाई को लगता है भूतों से डर, अगर भाई चांस कोई मिल गया तो भाई ढूंढने आए आज, मैं थोड़ा कंफर्म होने आया हूँ कि अच्छा सीन है क्या भाई, सीन क्या है। चलो रात के टाइम देख, ठीक है भाई। ये भाई सामने वो दूर एक किला दिखाई दे रहा है, पब्लिक तो खूब दबा के आती है भाई, संडे भी रह गया और पब्लिक आती है दबा के। ये भाई इसके बारे में लिखा हुआ है कि भानगढ़ की प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में की थी। भाई वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, मैं भी घर जाके आराम से पढ़ूंगा इसको। भाई जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ, ह्यूमिड हो गया, धूप निकल गई बहुत तेज़ और ह्यूमिड हो गया बहुत ज़बरदस्त, एक एक कदम लेना भारी हो रहा है, मतलब पसीनों का हाल अगर आप देखो ना बुरा हाल हो गया। और अभी तो जस्ट हमने एंट्री करी है, अभी तो किले तक पहुँचे नहीं हैं, और यहाँ की जो कहानी अब तक पता चली है ना वो ये पता चली है कि 3 भाई थे, तीनों के नाम पे, एक के नाम पे भानगढ़ है, एक के नाम पे अजबगढ़ है और एक के नाम पे प्रतापगढ़ है। तो प्रताप, अजब और भान, ये 3 भाई थे, इन तीनों के यहाँ रियासतें थे। इतनी कहानी सुन पाए उससे पहले मनीष जी के पास आ गया फ़ोन, किसी का बाहर हो गया शायद झगड़ा, हमारे साथ के कुछ भाई लोगों का हो गया झगड़ा, उस झगड़े को सुलटाने हम लोग आए हैं बाहर। वो रे उधर 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 आ जाओ आ जाओ, तो देखते हैं क्या मसला हुआ है। और ये हमारे इन लोगों से हुआ क्या, ये इनसे हुआ है यार? भाई लोगों ने बुलाया भी लेकिन झगड़ा भी हुआ नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा कुछ, मतलब सो ये तो फिस्सी सो हो गया। गाड़ी है लेकिन उसकी कहीं मिले ना तो भाई, जो भी बंदा वीडियो देख रहा हो ना, ये वाली गाड़ी कहाँ गई? अरे गलत ना दिखा दे, ये RJ02C, इसकी तो गाड़ी की हालत ही ऐसी है, रगड़ा रगड़ा ही लग रहा है।
बस जहाँ मिला इसको वहीं कूट देना। देखना मत कौन है। बस भाई की अपील सुनो, भाई अपील कर दे पब्लिक से, बस कहीं भी दिखे ना हाँ निकालो गर्दन से पकड़ के और कूट डालो, कूट डालो। भाई बाहर झगड़ा हुआ नहीं था तो हम वापस से आ गए, एक बार सेम टिकट चला के भाई को बोल कर गए थे कि हम आ रहे हैं, 12 गए थे 6 आए हैं अंदर वापस। अब फटाफट जा रहे हैं, 5 बजे बंद हो जाता है किला, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। ये पेड़ कितने 1000 साल पुराना होगा, ये तो इस पर रहने वाली चुड़ैल ही बता पाएगी। और गाइज मेन चीज़ देखो आप, इस पेड़ ने दीवारों को अपने अंदर समा लिया है, ये दीवार के ऊपर से पेड़ आ गया है। तो ये भाई एक और गेट आ गया, इसका मेन गेट जहाँ से एंट्री है, इसके अंदर पार्क है, मंदिर है, किला है, भाई पता ही नहीं क्या क्या, बड़े बड़े पेड़ हैं हजारों साल पुराने। भाई एक्चुअली क्या है, किला है वो सामने, वो जो ऊपर, और आज जो गर्मी का माहौल है ना, उस माहौल को देखते हुए हमारी हिम्मत नहीं है ऊपर जाने की, तो हम सर्दियों में फिर आएंगे, जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन आएंगे, उस दिन आपको इस पूरे किले का भ्रमण कराएंगे, एक एक पॉइंट दिखाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना कि हम किले में आ गए हैं, उसका थोड़ा सा वर्जन आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है, वो सामने किला बता ही दिया, एक मंदिर इस तरफ है, और वहाँ पर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और एक वो ऊपर वो देखो, वो एक छतरी दिख रही है। तो इसकी पूरी कहानी भी जानेंगे अगली बार आने से पहले, और फिर जब अच्छा मौसम होगा तो पूरा वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड में यहाँ का। तो भाई सिर्फ ये 2 बंदे पूरा घूम कर रहे हैं। भाई कैसा क्या है आगे, कुछ नहीं जाने लायक। तो जो भाई लोग होकर आए, भाई उन्होंने आके बता दिया कि आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही पत्थर की दीवारें यही सब है, और कुछ देखने लायक खास है नहीं। तो इसीलिए अब अपना नेक्स्ट टाइम आने का जो प्लान है वो हो गया कैंसिल, एक ही बारी में जो देख लिया बहुत है भाई, दोबारा नहीं आएंगे। तो भाई 4:30 बजे हम लोग निकल गए हैं वापस, ह्यूमिड हो गया था बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे हमने लंच किया। भाई आज तो ठीक ठाक था, मतलब बहुत अच्छा लंच तो नहीं था, ठीक ठाक सही था, पेट भरने लायक तो था ही, और ह्यूमिड हो गया बहुत ज़बरदस्त, मतलब पसीनों से बुरा हाल है। पता नहीं भाई मौसम कब ठीक होएगा, मतलब बीच में बारिश मिल जाती है, थोड़ी देर लगता है कि मौसम बढ़िया रहेगा, बढ़िया दिन कटेगा, लेकिन होते 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 लास्ट में आज भी ह्यूमिड हो ही गया। भाई इतना बड़ा प्लांट पता नहीं किस चीज़ का आ गया, काफ़ी बड़ा प्लांट दिख रहा है ये। और अब हाईवे आने वाला है मनोहरपुर से जो दौसा जा रहा है, अब हमारे को उसको पास करना है सीधा, डायरेक्ट उसके नीचे से सीधा सीधा जाना है। 53 किलोमीटर रह गया है घर, 1 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है अभी। ये क्या प्लांट है, जो भी है काफ़ी बड़ा प्लांट है। अभी जाते वक्त तो कमर पे मधुमक्खी ने काट लिया था, अभी हेलमेट का मुंह खुला चल, मतलब आगे का वो जो था वो खोल के चल रहा था, तो उसमें ततैया घुस गया, उसने नाक पे काट लिया भाई, वो तो एकदम निकाल के फेंक दिया मैंने, मतलब हल्का सा ही डंक मार पाया, नहीं तो आज तो बैंड बजा देता वो, पता नहीं भाई। मतलब अच्छा आज हमारे को क्या, जाते हुए सांप दिखा, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा सांप सड़क क्रॉस कर रहा था, और अभी जब वापसी आ रहे थे तो मेरे को एक बहुत बड़ा वो मॉन्स्टर लिजर्ड दिखाई दी, मॉन्स्टर लिजर्ड इतनी बड़ी पूछो मत, मतलब पूरा ये एरिया ही वो है। और बारिशों के टाइम में तो खैर कीड़े मकोड़े सांप वाँप ये सब नॉर्मल सी बात है। भाई लोग निकल गए हैं काफ़ी आगे, क्योंकि मेरे को रोक के हेलमेट और वो ततैया निकालना था, और बाइक पे तो क्या है भाई 2-3 मिनट का गैप आते ही क्या डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। सामने से आ रहे हैं घोड़े, वाह भाई क्या शानदार घोड़े हैं देखो। भाई इतनी पतली पतली सड़कों पे भी ट्रक आ गए हैं, ये बस आ गई है, मेन रोड तो है नहीं, पता नहीं इतने बड़ा हैवी ट्रैफिक यहाँ पे कैसे चल रहा है, मतलब ये कहाँ के लिए मेन रूट है, बाइक वगैरह और ये सब तो ठीक है, और यहाँ देखो क्या ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है भाई, खुल जाए तो निकल जाए। तो भाई चाय पीने के लिए रुके थे, अपना लास्ट ब्रेक है, 6:30 हो गए हैं, लगभग 1 घंटे का रन बचा है, 5-7 बाइकें हम लोग अलग रूट से आए हैं, बाकी भाई लोग अलग रूट से चले गए थे, अब यहाँ से निकलेंगे नॉन स्टॉप सीधा घर के लिए। भाई हम निकले हैं ताला मोड़, और मेरे ख्याल से सब भाइयों को लेफ्ट ही जाना है। चलो जी सब भाई लेफ्ट जा रहे हैं, और यहाँ से घर रह गया अभी 36 किलोमीटर। अब हाईवे की ड्राइव है सारी। तो भाई पिंक स्क्वायर पे मिल गए हम लोग फाइनल अपना एक मीटअप, जितने भाई लोग थे अलग अलग रास्तों से आए थे पिंक स्क्वायर के सामने, एक बार वापस से मिल गए हैं, और भाई अब इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड,
मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आई होप आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा, अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भाई लोग आज साथ गए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। और जो नहीं गए वो नहीं गए वो तो ना करें। और भाई सबसे जो तगड़ा राइडर था ना आज का, ये था बेस्ट बिलियन भाई। हमारी हालत खराब हो गई लेकिन भाई मुस्कुरा रहा है एकदम फुल। चलो जी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय। ओके ओके ओके।